ओके तो देखिए हम लोग को क्या सीखना है बेटा, नंबर्स को वर्ड में राइट करना न्यूमरल फॉर्म से। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया बेटा, इसमें देखिए ये 6 है 10,000 प्लेस पे, 7 है 1,000 प्लेस पे, 4 है 100 प्लेस पे, और 3 है 10 प्लेस पे, देन 1 है सॉरी 2 है 1 प्लेस पे। तो इसको क्या रीड करेंगे बेटा, 67,432 टेंस और वंस वाले प्लेस को साथ में रीड करेंगे। तो 67,432 ये बेटा मैंने किसमें लिख दिया, ये मैंने वर्ड फॉर्म में लिख दिया। ओके और वही इसका न्यूमरल नंबर फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा, नंबर फॉर्म हो जाएगा 67,432। ओके समझ में आया। अब बेटा इसमें एक चीज और होती है, पीरियड्स लगाना। क्या लगाना बेटा, पीरियड्स लगाना। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक फैमिली बेटा खत्म होती है ना, तो उसके बाद हमें कॉमा लगाना होता है। पहली फैमिली में बेटा कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 3। तो वंस टेंस हंड्रेड, देन वंस टेंस हंड्रेड, तो 3 मेंबर्स के बाद आपको ऐसे कॉमा लगा देना है। फिर नेक्स्ट फैमिली 1,000 की होती, तो अभी तो हमें यहीं तक करना है, तो आपको यहीं पर अभी कॉमा लगाना है। ओके तो देखिए नंबर को हमने किसमें राइट कर लिया बेटा, पहले हमने वर्ड फॉर्म में राइट किया, फिर उसका न्यूमरल फॉर्म भी देखा। ओके नाउ अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन पर आए बेटा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो नंबर लिखा है बेटा, इसको अगर हमें लिखना है तो देखिए कौन से प्लेस पे है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला वन है वन प्लेस पे, देन टेंस, देन हंड्रेड, देन थाउजेंड। तो थाउजेंड प्लेस पे कौन लिखा है, वन। तो इसे कैसे रीड करेंगे, 1,000। और जीरो को बेटा कभी भी रीड नहीं करेंगे, है ना, जब जीरो ऐसे आ जाए तो 1,001। 1,000 क्या हो जाएगा, वन। 1,002, 1,009। ओके नाउ 1,000। अब ये वाला जीरो नहीं रीड करेंगे बेटा, लेकिन टेंस और वंस प्लेस को साथ में पढ़ते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,010 को हम लोग मतलब ऐसे क्या पढ़ेंगे, 1,010, क्योंकि 1,0 से क्या बनता है, 10 बनता है, लेकिन 0,1 से कुछ बनता है क्या, नहीं बनता है। ओके ये क्या हो जाएगा बेटा, 1,999। इस तरीके से हमें क्या करना है, नंबर्स को रीड करना है, 1,999। देन आप देखिए यहाँ पे 0,0,0 एंड 2, तो 2 कौन से प्लेस पे बेटा, थाउजेंड्स प्लेस पे है। तो हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, 2,000s। ओके 2,000s, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3,000s, देन यहाँ पे बेटा 4,500s। ओके 4,500, देन बेटा आ जाएगा 9,800। 40 क्या होता है, 40, समझ में आया। देन 9,999। ओके अब बेटा ये समझ में आया कि नंबर्स को वर्ड में कैसे लिखते हैं। बस उसको आप जो रीड करने और कर रहे हो ना, वैसे ही आपको राइट कर देना है बेटा, ठीक है। अब अगर नंबर्स को हमें क्या करना है बेटा, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, मतलब ऐसा लिखा हो और उसमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 3,000, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसको करते हैं न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, 3,000, तो 3 लिख दिया। और बेटा 3 कौन सी प्लेस, मतलब 3,000 है, मतलब 1,000 में कितने जीरो आते हैं, 3 जीरो, मतलब 3 के पीछे कितनी डिजिट्स होना चाहिए बेटा, 3 डिजिट्स होना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि 3 कौन सी प्लेस पे बेटा, 1,000 प्लेस पे, और 1,000 प्लेस पे जो नंबर होता है उसके पास 3 जीरोस होते हैं, मतलब 3 के पीछे आप क्या बोल सकते हो, 3 के पीछे 3 डिजिट्स और होना चाहिए। ओके तो देखिए 3,400, मतलब 100 प्लेस पे कौन है बेटा, 4। और 60, 60 कैसे लिखते हैं, 6 जीरो, देखिए आ गया। देन नेक्स्ट वाले नंबर की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5,000, मतलब 1,000 प्लेस पे कौन है, 5। आप जो 1,000 प्लेस पे होता है उसके पास कितने जीरो होते हैं, 3, मतलब 5 के पीछे कितने नंबर और होना चाहिए बेटा, 3 नंबर्स और होने चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 5,089। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दू 5,089,
तो बेटा क्या ये 5000 हुआ क्या? ये तो 589 हुआ बेटा। पहले देखिए समझिए फिर राइट करना। तनिष्क डोंट राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड बेटा, समझिए इसको ध्यान से। देखिए अगर मैं इसको लिखूं 5000, तो 5 को लिख दिया मैंने और 89 ऐसे लिख दिया, तो बेटा यहाँ पे देखिए 5 तो बेटा 1000 प्लेस पे पहुंचा ही नहीं, ये तो 100 प्लेस पे ही रह गया। इट मीन्स यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग दिख रहा है? 1000 के पहले कौन सी प्लेस आती है? 100। तो 100 प्लेस पे कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग 100 प्लेस पे जाके 0 लगा देंगे। ओके 88 है बेटा, 89 नहीं है, 88। ओके तो देखिए हमने नंबर्स को क्या किया बेटा, न्यूमरल फॉर्म से ऐसे वर्ड में लिखना सीख लिया। ओके और वर्ड से न्यूमरल फॉर्म में लिखना सीख लिया बेटा। नंबर को अगर वर्ड में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आपके पास जो भी नंबर लिखा हो ना उसके ऊपर यहाँ पे ऐसा राइट कर लिया करिए, कैसा थोड़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे ये 1 प्लेस है तो इसको ओ बना लेना, 10 प्लेस है तो टी, 100 प्लेस है तो एच और 1000 प्लेस है तो टी एच, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। जैसे रीड करेंगे 1000 और इन दोनों को तो रीड नहीं करेंगे और 1, समझ में आया? ओके तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हैं मैं बताता हूँ, वो आप लोग करिएगा। पेज नंबर 11 पे बेटा आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ओके ये क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको क्या करना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है इसको बेटा आपको वर्ड्स में लिखना है और थोड़े से और क्वेश्चन थे इसके, वो भी दे रहा हूं मैं आपको। ओके तो देखिए ये इतने क्वेश्चन हैं इसके, ये कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। देन आफ्टर बेटा इसके भी क्वेश्चन हैं, इसे आपको न्यूमरल फॉर्म में लिखना है। ओके नाउ बेटा अब हम लोग सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फॉरवर्ड काउंटिंग करना। ठीक है बेटा ये मैंने बता दिया है, एक बार एक एक क्वेश्चन में कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी क्लियर हो जाए। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, 3000 क्योंकि 3000 स्पेस पे है। देन बेटा क्या आ जाएगा, 400 प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, तो 3047 हो गया, समझ में आया? ओके देन अगर इसको मुझे क्या लिखना है बेटा, न्यूमरल फॉर्म में लिखना है, तो 3000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे कौन है, 4 और वहां यहाँ पे क्या लिखा है, 6। बेटा अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हमें तो सिर्फ 6 लिखना है, तो 0 आ गया, मतलब 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, 1st प्लेस पे कौन है, 6, समझ में आया? Now we'll talk about बेटा forward and backward counting। बेटा forward और backward counting क्या होती है, जो given number है उसी के आगे से आपको counting लिखना है, तो उसको बोलते हैं बेटा forward counting। क्या बोलते हैं, forward counting। और जो given number है उसके पीछे counting लिखना है, तो उसको क्या बोलते हैं, backward counting। For example बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना लिखा है, 5543। अब इसके बाद क्या आएगा, 43 के बाद 5544, then 5545, then 5546, then 5547, ऐसे जितने आपसे
उठले फॉरवर्ड नंबर आपको लिखते जाना है। तो देखिए जैसे ही बेटा 49 आया है ना, अब आप लोगों ने अगर काउंटिंग पढ़ी हो बेटा, कितना आ गया यहाँ पे 5549। तो 49 के बाद क्या आता है बेटा, 49 के बाद आता है 50। तो 50 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 5। ओके समझ में आया। फिर 50 के बाद से तो कंटिन्यूस लिखना है 51। एक और बात करते हैं, जैसे 100 आता है, लेकिन बेटा यहाँ पर आपको 100 नहीं राइट करना है बेटा। अगर आपने ऐसा कोई नंबर, मतलब आप लोगों ने ऐसे नंबर राइट कर दिया कि ये तो हो जाएगा 100, मतलब 0 0 1 8 4, ऐसा कुछ आपने राइट कर दिया तो बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ पे नहीं लिखना है ना बेटा। यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, जो 100 का 1 था ना वो इसके पास चले जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे कितना लिखा है 899, तो 899 के बाद बेटा क्या आता है 900। समझ में आया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। ओके फिर 900 4900 के बाद क्या आता है 4901। क्लियर है? ओके देन अगर नेक्स्ट नंबर ले बेटा, यहाँ पे लिखा है 6001। तो 6001 अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, बैकवर्ड काउंटिंग। क्या देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड काउंटिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट बैकवर्ड, मतलब पीछे जाना है। ऊपर वाले दो में हम लोग आगे जा रहे थे, पीछे जाना है। तो 6001, 1 के पहले कौन आता है बेटा, 0 है ना। उसके पहले कौन आता होगा बेटा, उसके पहले आता होगा 5999। मतलब हमने क्या किया, इसमें से 1 माइनस किया तो ये आया, फिर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0 में से 1 तो नहीं जाएगा, ये अपने आगे वाले से लेगा। आगे वाला खुद भी 0 है तो ये अपने आगे वाले से लेगा, और ये भी 0 है तो ये अपने आगे वाले से 0 लेगा। फाइनली 6 ने इसको एक नंबर दिया, तो 6 क्या बन गया, 5, और ये क्या बन गया बेटा, 10। लेकिन 10 ने इसको एक नंबर दिया तो ये 9 बन गया, और ये क्या बन गया, 10। फिर इसने इसको एक नंबर दिया, अगेन ये 9 बन गया, और ये 9 बन गया, ओके, और ये 10 बन गया। अब ये जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस पर 10 बन गया, लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, बैकवर्ड जाना है, मतलब 1 माइनस करना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, 9। समझ में आया? तो 5999। अब इसके पीछे कौन आएगा, अब 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो 8, 5998, देन 5997, देन 5995 है ना, 96, देन 5995, देन 5994, देन 5993। इस तरीके से बेटा क्या होता है, फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग लिखी जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग। ओके मैं लिखूंगा, आप लोग देखिएगा। ओके लेट्स सी, तो 1008 है बेटा, 1008 फॉरवर्ड काउंटिंग लिखना, तो 1008 के बाद क्या आएगा बेटा, 1009, देन उसके बाद कौन आएगा बेटा, 1009 के बाद 1010 आएगा। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना बेटा, तो ये देखो ये तो कितने डिजिट का हो गया, 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया, और मेरे पास तो नंबर ही 4 डिजिट का था। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 के बाद क्या आता है, 10, तो 10 यहाँ पे एड हो जाएगा। समझ में आया? देन आफ्टर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1011, देन आफ्टर बेटा 1012। क्लियर है? दिस इज हाउ यू हैव टू राइट फॉरवर्ड काउंटिंग। ओके तो सारा आपको फॉरवर्ड काउंटिंग लिखना है, बैकवर्ड काउंटिंग में आपको क्या करना होगा, पीछे जाना होगा। आप देखिए यहाँ पे तो बेटा क्या, 0 है, तो 0 के पीछे अगर आप चाहें तो ऐसा भी मान सकते हैं कि 0 के पीछे आपको नहीं पता है, तो आप 0 के आगे वाले नंबर भी ले लीजिए। कितना लिखा, 30 बेटा, 30 के पीछे कौन आता है, 295429। ओके नाउ अब तो आप कर ही लेंगे, आप 9 के पीछे कौन आता है बेटा, 5428, देन अगेन 5427,
5427 then again 5428 sorry 6 समझ में आया। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग राइट कर लेना है। क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं बेटा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के। बेटा सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी बहुत इजी है, लेट अस लर्न इट। ओके चलिए इसे लर्न करते हैं बेटा। बेटा ये जिन लोगों ने हैंड रेज करके रखे हैं वो हैंड डाउन कर लीजिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट बेटा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो बेटा सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेसर मींस होता है किसी भी नंबर में वन ऐड कर देना। क्या ऐड कर देना बेटा, वन ऐड कर देना। और प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर में वन सबट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना बेटा, बेटा वंश प्रजापर ध्यान से सुनो, किसी भी नंबर में वन सबट्रैक्ट कर देना। ओके वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है प्रीडिसेसर। ओके सक्सेसर आप ऐसे लर्न कर सकते हो बेटा, सक्सेसर मींस व्हाट, सक्सेस, सक्सेस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मींस होता है सफलता। तो आपको जब भी सफलता मिलेगा मतलब आपको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होना इन द सेंस कि आपका नंबर बढ़ेगा, और प्रीडिसेसर मतलब घटेगा। ओके P4 पीछे, पीछे आना मतलब घटना, ऐसा मान सकते हो। ओके चलिए तो देखिए यहाँ पे बेटा किसी नंबर का हमें अगर सक्सेसर देखना हो तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा 7009 था तो इस पूरे में कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 1 इधर चले जाएगा, है ना, तो 7010 हो गया। फिर 299 का सक्सेसर क्या होगा बेटा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो देखिए 99 मतलब ये क्या हो जाएगा 0 और 1 जाएगा आगे, फिर ये भी 0 फिर 1 जाएगा आगे, देन 2+1 कितना हो जाएगा 3 मतलब 2300। ये क्या हो गया बेटा इसका सक्सेसर। समझ में आया, सक्सेसर मतलब क्या बेटा, 1 ऐड कर देना। ओके देन 6999 उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये वाला 9 10 बन जाएगा मतलब 0 कैरी गया 1, ये भी 10 बन जाएगा 0 कैरी गया 1, ये भी 10 बन जाएगा 0 कैरी गया 1, तो 6+1 7 तो कितना हो गया 7000। समझ में आया, देन 7000 में 7000 का सक्सेसर क्या होगा बेटा, 7000 में 1 ऐड कर दो तो 0+1 कितना हो जाएगा बेटा 1, तो 7001। फिर 9999 में जब इसका सक्सेसर निकालेंगे ना बेटा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10000, है ना। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है बेटा, 1 माइनस कर देना, है ना। सक्सेसर मतलब होता है बेटा 1 प्लस करना, और प्रीडिसेसर मतलब होता है बेटा 1 माइनस करना। ठीक है ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना लिखा है बेटा 0, तो 0 के साथ आगे वाला नंबर भी ले लेते हैं जो कि 0 लिखा है, तो ये कितना है 10, 10 में से बेटा 1 गया तो कितना बचा 9, तो 7409 इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। अब 1800 का हमें क्या बताना है बेटा, प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1799, 3000 का क्या हो जाएगा 2999, देन 7401 का क्या हो जाएगा बेटा 7400। तो यहाँ पे अब आपको सारे नंबर का सक्सेसर और प्रीडिसेसर यहाँ पे राइट करना है, कुछ मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो आप लोग देखिए इसका सक्सेसर क्या हो जाएगा बेटा 3499, अब यहाँ पे 0 है तो इसके आगे वाला नंबर भी लिख लेते हैं, तो 9090, तो 90 के बाद कौन आता है 91, ऐसा लिख दिया ठीक है बेटा। प्रीडिसेसर मतलब पीछे जाना है, तो 90 के पहले कौन आता है बेटा 89, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 3489, अरे 89 आता है ना 90 के पहले, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। ऐसे ही बेटा आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। समझ में आया,
अब बेटा कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ेंगे, शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे और फेस वैल्यू पढ़ेंगे। ओके, देन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? ओके, तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आपका होमवर्क ये लिखा है बेटा मैंने, आपको आपका होमवर्क सारा कंप्लीट करना है। जो जो क्वेश्चन मैंने कराए ना, वो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, इसके नीचे कुछ और भी क्वेश्चन है, वो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है बेटा? क्वेश्चन नंबर जे जे तक ही बेटा, इसके नीचे क्वेश्चंस नहीं, इतने ही क्वेश्चन है। बेटा सभी ने अटेंडेंस लगा दी? आप लोगों ने अटेंडेंस लगा लीजिए। पास ओके बेटा, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।